ग्लोबल आइकॉन का दर्जा पा चुकी बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा कोरोना काल में अपने देश को भूली नहीं है। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है और लंदन में रहते हुए भी प्रियंका मुश्किल में फंसे अपने देश के लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी हैं। वहीं इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का एक और वजह से चर्चा में नाम आया है, वो वजह है प्रियंका और उनके इंटरनेशनल पॉप स्टार हस्बैंड निक जोनस की सालाना कमाई। हाल ही में जीक्यू मैगजीन की साल 2020 की एक रिपोर्ट वायरल हुई है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सालाना साझा कमाई का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका और निक जोनस की सालाना कमाई इतनी ज्यादा है कि आप उसे गिनते गिनते थक जाएंगे। जानना चाहेंगे प्रियंका और निक साल भर में कितनी कमाई कर लेते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका और निक जोनस की सालाना कमाई 734 करोड़ रुपए है। प्रियंका और निक फिल्मों, रियलिटी शो, सोशल मीडिया, स्टेज शोज, वेब सीरीज, म्यूजिक एल्बम और अपने बिजनेस वेंचर के जरिए इतनी छप्पड़ फाड़ कमाई करते हैं। ये तो सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल है। वो एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। हालांकि बीते 2 साल से वो हिंदी फिल्मों में नहीं दिखी हैं। इसके अलावा वो साल 2015 से अमेरिकन टेलीविजन ड्रामा क्वांटिको सीरीज का हिस्सा हैं। इस सीरीज के लिए उन्होंने प्रति एपिसोड 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज की थी। अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं। इसके अलावा प्रियंका के पास हॉलीवुड की 2 बड़े बजट की फिल्में मैट्रिक्स 4 और टेक्स्ट 4 में है। प्रियंका स्टेज शोज के जरिए भी खूब कमाई करती हैं। वो एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। प्रियंका कई प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए भी तगड़ी कमाई करती हैं। साल 2019 में ही ये खुलासा हुआ था कि प्रियंका सोशल मीडिया पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने के लिए 1.92 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। इसके अलावा पर्पल पेबल पिक्चर्स के नाम से प्रियंका का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जो कि रीजनल सिनेमा को प्रमोट करने और रीजनल फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। यहां से भी प्रियंका की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस तरह से प्रियंका की नेटवर्थ लगभग $50 मिलियन यानी के करीब 367 करोड़ रुपए है। वही कमाई के मामले में प्रियंका के पति निक जोनस भी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से पीछे नहीं है। निक की भी टोटल नेटवर्थ $50 मिलियन यानी के 367 करोड़ रुपए है। निक जोनस अपनी म्यूजिक एल्बम्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस और शोज के जरिए ये कमाई करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रियंका और निक अपनी इस कमाई को कहां खर्च करते हैं, तो बता दें कि शादी के 1 साल बाद ही प्रियंका और निक ने लॉस एंजलिस में 144 करोड़ की कीमत वाला 20,000 स्क्वायर फीट का आलिशान बंगला खरीदा था। ये कपल कई लग्जरी गाड़ियों का भी मालिक है। निक ने अपने म्यूजिक वीडियो सकर की सफलता के बाद प्रियंका को एक मर्सिडीज बेंज मेबैक गिफ्ट की थी जिसकी कीमत उनके $1,60,500 है। प्रियंका ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डेटिंग ऐप बम्बल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।